स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम जिस SCP के बारे में जानने वाले हैं, उस SCP का नाम है SCP-2851, जिसे द रेड के नाम से भी जाना जाता है और ये एक सेफ क्लास ऑब्जेक्ट है। तो चलिए फिर बिना देरी के जान लेते हैं SCP-2851 के बारे में। तो SCP-2851 दरअसल ये एक एनामोलस फेनोमेनन है जो कि साइट 47 के विंग 9 को अफेक्ट करता है और हर उस चीज को भी जो कि लाल रंग की नहीं है। तो अगर कोई सब्जेक्ट को SCP-2851 के सामने एक्सपोज कर दिया जाए तो उस सब्जेक्ट को खुद के अंदर ही अंदर एक आवाज सुनाई देने लगेगी जो कि उससे कंटिन्यूसली बात कर रही है। और जब भी कोई सब्जेक्ट SCP-2851 का शिकार बन जाता है तो उसे SCP-2851-1 के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जो एक्सपोजर के इफेक्ट्स हैं, वो 1 घंटे से लेके 2 दिन तक रह सकते हैं, यानी कि इस टाइम पीरियड के बाद वो सब्जेक्ट नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि SCP-2851 सब्जेक्ट्स को एनकरेज कर सकता है कि वो लोगों को मौत के लिए उकसाए, वो अपना रक्त बलिदान करे, लेकिन SCP-2851 सब्जेक्ट्स को ये चीज फोर्सफुली नहीं करवा सकता। तो दरअसल SCP-2851-1 जो सब्जेक्ट है तो वो बस लाल रंग की धुन में ही मगन रहेगा। अगर उसे कोई भी चीज लाल दिख जाती है तो वो बस उसकी तारीफ ही करेगा। हालांकि ये चीज भी ऑब्जर्व की गई है कि जब SCP-2851-1 जो सब्जेक्ट है वो लाल रंग के आसपास होता है तो उसकी जो एनामोलस प्रॉपर्टीज है वो काफी हद तक कम हो जाती है और जो आवाजें उससे बात कर रही है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो अब साइट 47 के विंग 9 में जितनी भी दीवार है उन सभी को लाल रंग से पेंट किया गया है और वहां पर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन्हें कम से कम एक चीज तो लाल पहननी ही होगी। और यहां तक कि SCP-2851 के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर इंफॉर्मेशन है तो उसमें भी टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए। तो दोस्तों बस यही थी कुछ कहानी SCP-2851 के बारे में। आपको ये SCP कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।